Good morning students. Today we will going to start our next topic that is chemical properties of alkyne. Now alkyne generally show acidic reactor, electrophilic addition reactions, nucleophilic addition reaction Reduction oxidation and polymerization reactions. Let's discuss this reaction one by one in detail. So first reaction is acidic character of alkynes. What do you mean by acidic character? Acidic character that means tendency to lose H positive ion. Now, alkynes are acidic in nature that means they have tendency to release its H positive ion and convert it into its corresponding anion. तो कोई भी कंपाउंड जितना इजिली आयन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा ठीक है तो अब एल्काइंस एसिडिक क्यों होंगे वाई आर एसिडिक इन नेचर अब एल्काइंस के केस में जो कार्बन है कार्बन आर अटैच बाय ट्रिपल बॉन्ड ठीक है डेट मीन्स कार्बन इज एसपीब्रेडाइज एसपी हाइब्रेडाइज में क्रेक्टर एस क्रेक्टर बिकम फिफ्टी परसेंट

डीलोकलाइज टूअर्स द कार्बन ठीक है कार्बन की इलेक्ट्रोनिविटी हाई होने की वजह से कार्बन वो इलेक्ट्रोन पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो हाइड्रोजन एटम बिकम लेस टाइटली हेल्ड बाई द कार्बन एटम और वी कैन सेटेड द रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आइन बिकम इजी सो जो एसेडिक बिहेवियर होगा एसेडिक बिहेवियर जितनी ज्यादा एस करेक्टर होगा उसके साथ इंक्रीज करेगा विद द विद्रीज इन एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बन एटम इंक्रीजिस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड द रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आइन बिकम हाइयर सो वी कैन से डेट एलकाइंस आर मोर एसिडिक देन देन एल्किन ठीक है एल्काइंस केस में एस करेक्टर फिफ्टी परसेंट इन केस ऑफ एल्न हाइब्रेडाइजेशन इज एस पी टूटी थ्री पॉइंट एंड इन केस ऑफ एल्साइजेशन इज एस ट्वेंटी इन नेचर इोंट बाय द रियक्शन ऑफ एलकाइन विद सोडियम मेटल सोडामाइट रिएजेंट जब भी हम इसे किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे एग्जाम्पल When ethane react with sodium at temperature four seventy five kelvin, so sodium is more reactive than hydrogen, so hydrogen is replaced by sodium, and form a molecule of sodium ethanide. Similarly, when any alkyne molecule reacts with sodamide, sodamide that N-NH NaNH2 in the presence of liquid ammonia at 196 Kelvin temperature, in this case also the hydrogen is replaced by sodium. And now this hydrogen reacts with NH2 group, amide group. एंड कन्वर्टेड इन टू अमोनिया ठीक है एसिडिक करेक्टर में जस्ट जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेसड बाय द मेटल ठीक है हम जिस भी मेटल कंपाउंड के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें से जो मेटल है मेटल हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा इज इट क्लियर सिमिलरली और जो इसकी एसिडिक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज विथ टोल रिएजेंट टोलेंस रिएजेंट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन फोमुलाइज एजी एनएच थ्री टू आइस एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ठीक है तो यहाँ पे रिएक्शन सिंपल होगी जस्ट आपको रिएजेंट का नेम ध्यान रखना है जब भी अल्काइन की रिएक्शन होगी टोलन रिएजेंट के साथ टोलन रिएजेंट में मेटल क्या यूज हुआ है मेटल सिल्वर तो सिंपल एच पॉजिटिव इज रिप्लेस बाय ए जी हाइड्रोजन ओ एच नेगेटिव के साथ रिएट करके वोटर में कन्वर्ट होगा प्लस

तो, so तो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है अब ये जो कोस्पॉन्डिंग एलकाइनाइड की फॉर्मेशन हुई है इसको जब हम फर्दर फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सिल्वर एलकाइलाइडीन या फिर सोडियम एल्काइलाइडीन देन एच पॉजिटिव आइन ऑफ वाटर इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय एन ए पॉजिटिव आइन ठीक है यहां से जो एच पॉजिटिव है वो एल्काइनाइड से सोडियम या सिल्वर मेटल को फिर से रिप्लेस कर देगा एंड दिस कंपाउंड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इट्स कोरस्पॉन्डिंग एल्काइन ठीक है तो वोटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो फर्दर फिर से जो कोरिस्पॉन्ड जो मेटल आयन है मेटल आयन एच पॉजिटिव के साथ रिप्लेस हुआ दिस शोज दैट एल्काइंस आर लेस एसिडिक देन वोटर ठीक है एल्काइंस एसिडिक तो होंगे बट देर एसिडिक कैरेक्टर इज वेरी लेस ठीक है आर इवन लेस एसिडिक एस कंपेरिजन टू री इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ रोन बाई एल इलेक्ट्रोफिलिक अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने एल्किंग्स में किया था एल्किस में हमने स्टडी किया था डेट द एल्किस कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है डेट मीन द कार्बन आर इलेक्ट्रॉन रिच बाय नेचर कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच सो द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकम इजियर नाउ हेयर एल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड डेट मीन दे कंटेन टू पाई बोंड ठीक है दो पाई बोन्ड कंटेन करे सो दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेरिजन टू एल्कीन ठीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है दैट मींस देर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मस्ट बी हायर एज कंपैरिजन टू इज नॉट ट्रू एलकाइंस की जो रिएक्टिविटी है वो नंबर ऑफ पाइब ज्यादा होने की वजह से एल्किस के कंपेरिजन में टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए बट इन जनरल एलकाइंस आर लेस रिएक्टिव towards electrophilic addition reactions then alkene and why is it so why alkynes are less reactive towards electrophilic addition reaction as comparison to alkene instead it containing double pi bond

मोर डीलोकेलाइज देन दाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कीन ठीक है सिलेंडिकल शेप में होने की वजह से जो एल्काइन्स की इलेक्ट्रॉन है उनकी डीलोकलाइजेशन हाई होगी एज कंपेरिजन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कीन डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर एडिशन रिएक्शंस देन एल्कीन एंड सेकेंड इज डेट विनो डेट इन केस ऑफ एल्काइंस कार्बन इज एसपी हाइब्रेडाइज ठीक है एसपी हाइब्रेडाइज होने की वजह से कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू And because of high electronegativity value, the pi electrons of alkyne are more tightly held by the carbon atom. By the carbon atom. So, pi electrons are not easily available.

रिएक्टिविटी कम होगी बट जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर शो करेंगे एक फर्स्ट इज एडिशन ऑफ नो इथाइन रिएक्ट विद हेलोसन इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर तो वही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जब हेलोजन का अटैक होगा इन टू क्लोरीन एटम्स है वो दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे अब यहां पे जो एडिशन होगी डेट इज ऑलवेज ट्रांस एडिशन ठीक है अगर एक क्लोरीन का अटैक अपर प्लेन में हुआ है तो सेकंड क्लोरीन का जो अटैक है वो लोअर प्लेन में होगा एंड दिस इज बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस न अगर जो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं या दोनों हेलोजेंस है वो सेम डायरेक्शन में अटैच होंगे कार्बन एटम्स के साथ अगर सेम प्लेन में अटैच होंगे तो अब जो हैलोजेंस का साइज लार्ज होने की वजह से और इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से फर्दर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल ईच अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करेगा सो दे बिकम हाईली अनस्टेबल हाईली अनस्टेबल होंगे तो जब भी हेलोजन की एडिशन होगी तो उसके होगा एंड दिस इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हेलोजन विच आइसोमर ऑफ एल्कि हमेशा ट्रांस की फॉर्मेशन होगी बिकॉज ट्रांस आइसोम आर मोर्स स्टेबल एस कम्पेरिजन टू सी साइसोम इज इट क्लियर नो सिमिलरली एडिशन ऑफ The, the वहां पे एक स्टेप हो रहा गया था यहाँ पे अब एल्कीन है एल्किन फर्दर आर मोर रियक्टिव टू आर्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो फर्दर ये एक मोलिक्यूल के साथ हो रिएक्ट करके टेट्रा हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट होंगे एल्काइंस हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एंड गिव टेट्रा हेलो एल्केन इज इट क्लियर एंड द एडिशन ऑफ ब्रोमीन लाइक इन केस ऑफ एल्कीन दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन इस सेक्शन में क्या होगा जो ऑरेंजिश रेड कलर है ब्रोमीन का ये डिस्चार्ज हो जाएगा ठीक है तो जब भी हम किसी अनसेड कंपाउंड में ब्रोमीन की एडिशन करेंगे तो उस केस में जो ब्रोमीन का कलर है वो डिस्चार्ज होगा एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेटेड बोन्ड सो द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेन नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन इज Addition of hydrogen halides. Hydrogen halide that is Hx. X may be chlorine, fluorine, bromine, iodine. Okay? And the order of reactivity of hydrogen halides become एच आई इज मोर रियक्टिव टू वर्स एडिशनसीड दिसोसिएशन एन थे जितना बोन्ड लेगा बोंड को ब्रेक करना उतना ही इजी होगा एच सी एल इज एडिड इन टू इथाइन तो यहां पर वैसे अब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में जब हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे हेलोजन का अटैक हो नॉ बोथ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम आर इक्वली सब्सिट्यूटेड इक्वली सब्सिट्यूटेड है तो आप अटैक किसी भी कार्बन के साथ शो कर सकते हो उसके बाद फर्दर अब एक मोलिक्यूल एच का एड करने के बाद अब जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बना अब यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एंड सेकेंड कार्बन कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोजन सो जब हम सेकेंड मॉलिक्यूल एड करेंगे एच सी एल का नाउ द एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस्ट रूल एंड मार्कोनिस्ट रूल क्या था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रियजेंट इज एडेड टू डेट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है तो अब जो हेलोजन है सेकेंड हेलोजन हमेशा उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे फर्स्ट हेलोजन का अटैक हुआ था सो इट बिकम वन वन इथेन इज इट क्लियर

शन it होगी जैसे हमने एल्किन के केस में किया था एल्काइन जब भी कोरोस्पोिंग हाइपोहेलस एसिड लाइक एचओ सी एल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अगर इक्वली सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम है तो हम एक के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के एडिशन दिखाएंगे और सेकेंड कार्बन इज अटैच टू द इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट CH, CL. उसके बाद जो Cl के साथ रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टीज, OH नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोन पॉजिटिव पार्टीज हेलोजन आयन अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे अटैक करेगा अब यहां से देखो ओ OH एच और सी एल में से ओ एच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ओ एच इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव दोनों एलिमेंट का अटैक हुआ है तो जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन की लेस होगी विच इज अटैच बाय द मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव एलिमेंट तो यहां से जब हम सेकेंड मोलिक्यूल का अटैक करवाएंगे सेकेंड मोलिक्यूल में ओ एच OH नेगेटिव उसी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा विच हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो इसके कोरपॉन्डिंग ये मोलिक्यूल बनेगा दिनस्टेबल मोलिक्यूल अनस्टेबल है तो ये फर्दर अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां से ओ एच मोलिक्यूल का रिमूवल करेगा ठीक है एक ही कार्बन पे दो ओएच OH ग्रुप एक साथ अटैच हुए दो ओ OH एच ग्रुप अटैच हुए तो उसमें फर्दर स्टीरिक हिंड्रेंस आई हाँ हो जाएगी एंड द मोलिक्यूल बिकम अनस्टेबल सो देर इज रिमूवल ऑफ वॉटर मोलिक्यूल And by the removal of water molecule it is converted into its corresponding aldehyde. Okay? So this compound become 2,2-dichloroethanol. 2, 2 is it clear? Now next is addition of water. Now because of less reactivity of alkynes towards electrophilic addition reaction as comparison to alkene. एल्काइंस एलकाइंस इजिली हाइड्रेशन शो नहीं करेंगे तो हाइड्रेशन के लिए जो हमारा कैटलिस्ट होगा इज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ठीक है हम वोटर की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूर सल्फेट डायरेक्ट हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस सल्फेट एलकाइंस इज लि रिएक्ट विथ वॉटर तो यहां से एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव एडिशन मार्कोनिव एडिशन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज एडेड टू डेट कार्बन विच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नाइय डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली ओ एच ग्रुप अटैच है एंड दिस ग्रुप इज नोन हैल्कोहल अगर हम यहां पर हाइड्रोजन को फर्स्ट एटम कंसिडर करते हैं ठीक है तो हाइड्रोजन और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है एक दूसरे के फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन पे प्रेजेंट है सो वन थ्री माइग्रेशन इज पॉसिबल एंड दिस एल्कोहल इज इजली अंडर गो ये टोटोमर शो करेगा टोटोमर वन थ्री माइग्रेशन ऑफ एन एटम इज इट क्लियर इन केस ऑफ टोटोमर नाउ दिस डबल बॉन्डेड शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड द अटैक ऑफ हाइड्रोजन बिकम ऑन दिस कार्बन

एडिशन रिएक्शन सिमिलर वही सी एन नेगेटिव तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का अटैक होगा और सेकेंड कार्बन कंटेनिंग सीएन ग्रुप एंड सेकेंड कार्बन अटैच विथ सी एन ग्रुप इज इट क्लियर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएशन विच इज शोन बाई एलकाइन्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एल्काइन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से नो फर्दर एलकाइंस आर इजली शो न्यूक्लियोफिली कंडीशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल एलकाइंस इजली रिएक्ट विद मिथेनोल और इथेनोल मिथेनोल एट टेम्परेचर फोर थर्टी थ्री टू फोर सेवेंटी थ्री कैलविन ठीक है तो जब भी एल्काइंस मिथेनोल के साथ रिएक्ट करेगा सो हेयर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम इलेक्ट्रोपोजिटिव बाई नेचर सो इन दिस केस अब इस केस में जो अटैक एडिशन तो वैसे ही होगी एक कार्बन के साथ नेगेटिव का एडिशन होगा एंड सेकंड कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली ओ सी एच थ्री ग्रुप अटैच है डेट मीन्स इट इज विनाइल ग्रुप सो इट इज नेम्ड एज मिथाइल विनाइल इथर ठीक है अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है डेट मीन जब भी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो जो जिस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज अ स्लो स्टेप इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विच इज आर रिडक्शन रिडक्शन ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुकेसथ प्रिपेशन स्टडी विडक्शन ऑफ एल्काइंस रिडक्शन एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन सो एलकाइन रियक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेन्स ऑफ कैटलीस डेट इज निकल प्लेटेनियम प्लेटेनियम एट टेम्परेचर फाइव ट्वेंटी थ्री टू फाइव सेवेंटी फाइव कैलवीन एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन ठीक है बट ये जो रिएक्शन है ये यहां पर स्टॉप नहीं होगी फर्दर हाइड्रोजन एलकीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन तो अगर हमें रिएक्शन को एल्कीन पे ही स्टॉप करना है कि फर्दर हमारा एल्केन की फॉर्मेशन ना हो सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट हमने किया था लिंर कैटलिस्ट और बिक रिडक्शन इंड्रस कैटलिस्ट इज प्लेडेनियम विद बेरियम सल्फेट एंड बिक रिडक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द विथ लिक्विड अमोनिया और इन दोनों में जो मेन था इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था लिंड्रास कैटलिस्ट के साथ हमेशा सी सेल्किन की फॉर्मेशन होगी एंड विद विक रिडक्शन वी ऑलवेज गेट ट्रांस लाइक एल्कि रिडक्शन ऑफ ब्यूटू आइंस

चर वन नाइन सिक्स टू टू हंड्रेड कैलवीन टेम्परेचर टेन इट्स कोरस्पॉन्डिंग एल्किन इज फॉर्म्ड ठीक है बिग रिडक्शन में हमेशा ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन होगी एंड विथ लिंड्रास कैटलिस्ट वी ऑलवेज ऑप्टेंट सी सैलकीन द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन वैसे ही के केस की, की तरह ऑक्सीडेशन फर्दर दो केसेस में होगी डेट इज विध कोल्ड एंड डायल्यूट के प्रेजेंस में जो ट्रिपल बॉन्डेड सी एच पार्ट है डेट इज ऑक्सीडाइज इन टू सीओ एच एंड ट्रिपल बॉन्डेड सी आर पार्ट अगर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो एलकाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है

कोल्ड एंड डाइल्यूट के फोर जब हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे विथ कैमेनो फोर एट टेम्परेचर टू नाइनटी एट टू थ्री जीरो थ्री कैलवीन डायल्यूट है वाटर की एडिशन होगी ठीक है तो यहां से अब जस्ट आपने ये देखना है कोल्ड कंडीशन है लो टेम्परेचर पे है तो जो ट्रिपल बॉन्डेड सी एच वाला पार्ट है ट्रिपल बोन्ड सी एच इट इज ऑक्सीडाइज टू ओ एच और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप है, तो ट्रिपल कार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे कीटोन में सी डबल बोन्ड ओ ग्रुप में यहां से ओ एच इज इट क्लियर और अगर इस ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडेशन करें सो इट इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर सीओओ एच टर्मिनल पोजिशन पे तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सी ओ इज ऑक्सीडाइज इन टू कार्बोक्सलिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड एक ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटू इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डायल्यूट के कार्बन एटम है सो बोथ द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आर कन्वर्टेड इन टू कार्बोनि ग्रुप इज इट क्लियर विच इज ब्यूट ब्यूटेन टू थ्री डाइन नेक्स्ट इज विथ कोट के होट कोट के, के केस में जस्ट जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है सो इट गेटिंग कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एड कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मैन अटैच विद एनी अल्काइल ग्रुप देन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस ओजोनोलिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन इन विच देर इज एडिशन ऑफ ओजोन विच इज फॉलोड बाई द रिडक्टिव क्लीवेज विथ जिंक जैसा हमने एलकीस के में किया था इन फर्स्ट स्टेप देर इज एडिशन ऑफ ओजोन मोलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ टलिस्ट लाइक सी एच टू सी एल टू एट टेम्परेचर वन नाइनटी सिक्स टू टू हंड्रेड कैलवीन सो फर्स्टली यहाँ पे ओजोनाइट की फॉर्मेशन होगी अब डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ था अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है सो देर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन डीजू कार्बन एटम और जो थ्री ऑक्सीजन एटम्स है वो रिएक्ट करके ओजोनाइट की फॉर्मेशन देंगे एंड नाउ Again when this corresponding ozonide react with zinc or water then it give reductive cleavage. Reductive cleavage means type say I that the one oxygen react with zinc and form zinc oxide and the remaining two oxygen atom they form double bond with carbon. So it is one ketone and one aldehyde. We know that out of ketone and aldehyde, aldehyde is preferred. So it become टू होग्सो प्रोपे जो टू डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी कार्बन सिंगल बोंड कार्बन के साथ अटैच रहेगा सो जस्ट ट्रिपल बोन्ड इज कन्वर्टेड इंटू सिंगल बोन्ड और दोनों कार्बन के साथ डबल बोंड ओ आ जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन इज पोलेमेराइजेशन रिएक्शन ना पोलेमेराइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप दैट इज लीनियर पोलेमराइजेशन एंड साइक्लिक पोलेमराइजेशन सो नेम एज नेम इंडिकेट जब भी ज्लकाइन मोलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक स्टेट चेन में कंपाउंड बनाएंगे पोलिमराइजेशन एंड व्हेन दे कन्वर्टेड इनटू अ रिंग कंपाउंड साइक्लिक पोलिमराइजेशन नाउ फर्स्ट इज लीनियर पोलिमराइजेशन लीनियर पोलिमराइजेशन Only two or three molecules are reactive of ethane and to form a product. Like when ethane, two molecules of ethane combine with each other in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride, then it is converted into its corresponding vinyl acetylene. and now when again further this group is react with the, say, next molecule of अगेन अब दिस से ये molecule इसके साथ react करेगा फर्दर वैसे ट्रिपल बॉन्ड अब इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड दिस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज फर्दर ट्रांसफर टू वर्स दिस बॉन्ड तो यहां से जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा डेट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी

एरोमैटिक कंपाउंड डेट इज बेन् नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एल्काइन इनटू अनदर सो सिंपल है जब भी हम किसी एल्काइन को एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में रखेंगे एट हाई टेम्परेचर 473 सेवनटी थ्री कैलवीन दिन इट इज कन्वर्टेड इंटू इट्स कोरोस्पोडिंग आइसोमर के लाइक ब्यूट वन आइन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल्कोहलिकोर सेवनटी थ्री कैलवीन इज कन्वर्टेड इंटू ब्यूट टू आइन एंड दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोम इज नोम एस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज इट क्लियर These are the important chemical properties of alkynes. I hope you understood all these properties. Thank you and have a nice day.